Assalamu alaikum students, this video is for class 7. Today we will do chapter decimal, exercise 3.1, page number 50. So, number 1, convert the following decimals to like decimals. So, yeh aap logo ko 6 mein hi padhaya gaya hoga ki like decimals kya hota hai, kaise convert kiya jata hai. Yaad rakhiye ki decimal ke baad ek jo bahut sara numbers diya hua hai, usme decimal के बाद जितना डिजिट है वो सब नंबर में सेम होना चाहिए. यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे तीन डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है, नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है. मतलब अगर पॉइंट डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो सब में दो डिजिट होना चाहिए मैक्सिमम. अगर डेसिमल के बाद यहाँ तीन डिजिट है तो सभी में कितना होना चाहिए, तीन डिजिट होना चाहिए. और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, लेकिन एक बार हम फिर आपको आप लोगों को करके दिखा दे रहे हैं. एक्सरसाइज 3.1 का 4.25, 6.8, 19.318, 153.6. तो हम लोग देखेंगे अब नंबर्स में कि सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट कितना है. तो इसमें दो है, इसमें एक है, पॉइंट के बाद इसमें तीन है, इसमें एक है. तो मैक्सिमम कितना निकला, तीन डिजिट निकला. तो मतलब हम लोगों सबको तीन डिजिट, सबके नंबर में डेसिमल के बाद तीन डिजिट होना चाहिए. और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ लास्ट में हम लोग जीरो ऐड कर देंगे. जितना नंबर चाहिए उतना हम लोग जीरो ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ डेसिमल के बाद दो है तो हम लोगों को सिर्फ एक डिजिट और चाहिए, तो हम लोग लास्ट में जीरो ऐड कर देंगे. तो 4.250 हो जाएगा. नेक्स्ट हो जाएगा 6.8, एक है, हम लोगों को दो और चाहिए. तीन डिजिट करने के लिए दो और डिजिट चाहिए, तो हम लोग दो जीरो और ऐड कर देंगे. 6.800, ये हो गया तीन डिजिट. अब 19.318 ऑलरेडी सिर्फ तीन डिजिट है तो उसमें हम लोगों को कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सेम वैसे ही लिख देंगे. नेक्स्ट 153.6, तो इसमें एक है, एक ही है, दो और चाहिए, तो दो जीरो ऐड कर देंगे. ये हो गया हम लोगों का आंसर, ये हो गया हम लोगों का लाइक डेसिमल्स. तो ए हम कर दिए हैं, बी आप लोगों का होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट रिविजन पर्पज के लिए आप लोग चाहें तो क्लास 6 का डेसिमल चैप्टर रेफर कर सकते हैं, उसका भी वीडियो देख लीजिएगा. नेक्स्ट हम बताते हैं राइट द गिवन डेसिमल्स असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप लोग क्लास 6 के वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें भी हम बहुत ही क्लियरली बता दिए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे किया जाता है. तो इसमें से सिर्फ आप 2 का ए कर लीजिएगा और 3 का ए कर लीजिएगा फॉर रिविजन पर्पज ओनली. वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ही ईजी है, लेकिन आप लोग 2 का ए और 3 का ए कर लीजिएगा. नेक्स्ट नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड रिड्यूस इट टू द लोवेस्ट टर्म. यहाँ पे हम लोग को डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, डेसिमल्स को क्या करना है, हम लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 4 का ए हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, 4 का ए 0.08. तो डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आप लोगों को ऑलरेडी से सिखा चुके हैं फ्रैक्शन चैप्टर में. फ्रैक्शन चैप्टर में ऑलरेडी से डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, हम लोगों आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार फिर बता देते हैं. पॉइंट के बाद दो जीरो है तो पहले तो नंबर लिखेंगे, पॉइंट के बाद मतलब पूरा नंबर लिखेंगे 008, और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा उतना 1 के बाद उतना जीरो ऐड हो जाएगा. तो इसको 00 का कोई वैल्यू नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 8/100. तो ये हो जाएगा हमारा, या हम लोग को रिड्यूस भी करना है. हम लोग को यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट सम, तो हम लोग को रिड्यूस भी करना है. तो ये कटेगा 4 2 8, 4 25 100, तो कितना आ गया 2/25. ये हो गया हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस करने के बाद. तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, बहुत इजी है ये. आप लोग क्लास ये पहले भी कर चुके हैं, तो बस हम एक बार रिविजन के लिए दिखा दिए. आप लोगों का होमवर्क रहेगा नंबर सी आप लोगों का होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट करते हैं हम लोग नंबर 6. तो ये अब हम लोगों को कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल करना है. ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और ये हम आप लोगों को ऑलरेडी से फ्रैक्शन चैप्टर में सिखा चुके हैं. तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा. ये इसमें से आप लोगों को ए सी और एफ करना है, ए सी एफ और एच करना है, ए सी एफ एच ये चालू करना है. या तो आप डिवाइड करके करें, या जो शॉर्टकट मेथड होता है, जो 00 है तो दो नंबर के पहले होगा, वो आप लोग क्लास 6 का वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, या हम लोग ऑलरेडी से फ्रैक्शन चैप्टर में सिखा चुके हैं, वो कर लीजिएगा. नेक्स्ट करते हैं नंबर 10, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स. हम लोगों को डेसिमल्स दिया हुआ, हम लोगों को ऐड करना है, तो 10 का ए करना है. सिंपली हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3.22 प्लस करना है 0.56
प्लस 7.105 प्लस 8.88, बस हम लोग ऐड करना है। तो ये 5, 16 कैरी 1, 8, 17 पॉइंट कैरी 1, 7 प्लस 3 10, 11 प्लस 8 19, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। सिंपली हम लोगों को सिर्फ ऐड करना है नंबर 10 में। ये ए कर दिए हैं हम, ये बहुत ही इजी है, ये हम सी करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। नंबर सी 40.62, 31.8, 4.63, 113.4। तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 5, 6 प्लस 4 10, 18, 18 प्लस 6 24, पॉइंट है कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 3 9, 9 4 13, 3 कैरी 1, 4 1 5 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 193.45 आंसर। तो ए हम कर दिए हैं, सी हम कर दिए हैं, आप लोगों का बाकी होमवर्क रहेगा, बी डी ई एफ आप लोगों का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 11 सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी इजी, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर ए कर दिखा देते हैं हम आप लोगों को। 11 ए 14.365 फ्रॉम, इसको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 21 से। ठीक है, तो 21 से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो तीन डिजिट है तो तीन डिजिट तीन जीरो दे देंगे, 14.365। इसको सब्ट्रैक करना है किससे, इससे करना है, तो आप सब्ट्रैक करेंगे। अब क्या करेंगे, कैरी लेंगे, कॉमन कैरी लेंगे, 10 से 5 या 5, 9 से 6 या 4, सॉरी 3, 9 से 3 गया 6 पॉइंट 60, तो कितना हो गया आंसर, 6.635, ये हो गया आंसर। बहुत ही इजी, आप लोग क्लास 5 में भी किए होंगे, तो और हम लोग को आई डोंट थिंक से बताने की जरूरत है। तो इसमें से आप लोग बी डी और ई, ये तीनों आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।